दोस्तों मैं अभी भी बता दूं, अगर ये वाली वीडियो आप मिस कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 18 जनवरी 2025 को आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभांगी सरवानी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभांगी स्टडी सेंटर में। जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको रीजनिंग क्वेश्चन दिखाए थे कि किस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा में, तो आज की वीडियो में यह पार्ट टू है वीडियो का, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन नवोदय में आते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस साल भी वो प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने 2024 का पेपर लिया है, क्योंकि अभी इस सारे क्वेश्चन नवोदय में आए थे जो कि 20 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई थी, तो ये ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, अभी ही इस साल पेपर में आए थे, तो इसका मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंड 2 है अंकगणित परीक्षण। तो अंक गणित परीक्षण का क्वेश्चन नंबर 41वां, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन है। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। पहला क्वेश्चन है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो कितनी बार 9 आएगा। तो दोस्तों अगर आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं, 1 से 100 तक आप सारी संख्याएं लिखेंगे, तो उसमें जो 9 है 9 आएगा, कितनी बार आएगा 9, 20 बार आएगा। आप लिख कर चेक कर सकते हैं, अभी मैं अगर लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो 41वें का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 42वें क्वेश्चन कि देखते हैं, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी हो का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि दोस्तों इसी तरह बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है नवोदय में बार बार, जिसमें 3 अंकों की संख्या दी रहती है, 4 अंकों की दी रहती है, और उसमें गुणनफल कभी योग कभी घटाना पूछ लेता है। तो ये वाला देखिए, अगर 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बनाएंगे इस संख्याओं से, तो क्या बनेगी इन संख्याओं से, 3 अंकों की 960 है, हाँ तो यहाँ क्या बनेगा 960 बनेगी, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी, तो छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। आप लोग यहाँ पे 0 आगे मत लिख देना, नहीं तो 0 और 69 लिख दो तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही अंक की संख्या मानी जाएगी। तो छोटी संख्या क्या बनेगी 609, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 584,640। उसके बाद 83वां क्वेश्चन है, एक भिन्न वही तुल्य रहेगा, वही या तुल मतलब वैसे ही रहेगा, यदि एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश व हर से गुणा की जाए, डी इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। तो चलिए देख, जो ऑप्शन नंबर सी कहा है, 1/2 गुणे 2/2 कीजिए, कितना आ जाएगा 2/4 आएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारी मूल संख्या आ गई। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप अपने से यहीं से क्लियर कीजिए, ताकि आपको आगे चल के परीक्षाओं में दिक्कत ना हो। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, यदि 4392 / 3.66 / 1200 है, तो इसको भाग करना है, ये 439.2 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऊपर ये सब यदि उदि कन्फ्यूज करने के लिए दिया रहता है, मेन यहाँ पे देखिए क्या मान निकालना है, 439.2 और डिवाइड बाई 36.6, 0.6 ही अंक पे है, दोनों में सेम है तो ये 0.6 कट जाएगा। उसके बाद जब इसको आप भाग करेंगे तो भाग कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 12 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ठीक है। उसके बाद 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक वर्ग का परिमाप उस आयत की परिमाप के समान है, इसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे 44वां 45वां, क्योंकि नवोदय में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जब यहाँ पे आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो हमें यहाँ पे आयत की विमाएँ पता है, तो हम पहले आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप का होता है सूत्र 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई 17 और प्लस चौड़ाई 11 है, 17 और 11 कितना होता है 28 होता है, 28 × 56 मीटर। ये आयत यहाँ पे आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप भी 56 होगा, 56 × 4a, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 14 मीटर। तो हमने परिमाप की सहायता से उस वर्ग की भुजा निकाल ली। अब हमें क्वेश्चन में पूछा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a बराबर होता है
भुजा स्क्वायर, भुजा 14 थी, 14 का वर्ग कितना होता है 196, वर्ग अभी भी नहीं याद है जल्दी से याद कर लीजिए कम से कम 30 तक। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45वें का ए होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार कितने मिठाई के पैकेट से बन जा सकते हैं? यह क्वेश्चन भी ना आए तो क्लास सिक्स में पढ़ना आपके लिए बेकार है। 30 किलोग्राम मिठाई कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन में जैसे मान लो 2/3 से डर गए होगे, मान लो ये कहता कि 30 किलोग्राम मिठाई से 10 किलोग्राम के कितने पैकेट बन सकते हैं, तो क्या करते 30/10 करते, तो वह इसमें भी करना है 30 भागे 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 3/2, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 पैकेट आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। वे बिग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क इन योर जेएनयू 2025 एग्जाम, सो टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ये आ सकता है अभी से लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल दिया है, चारों तरफ बाड़ लगवाने का खर्च जब कहे, चारों तरफ जब कुछ बाहर की बात करे तो उसमें उसका परिमाप निकलता है 2 × L+B, लिख के रख लो इसमें, ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा फिर परीक्षा। आयत का क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, लंबाई निकाल लो, फिर आयत का परिमाप निकाल लो, फिर गुणे 7.5 कर दो। चलो फिर क्षेत्रफल है 616, गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई दिया है 22, लंबाई निकालनी है, तो ये करोगे तो मेरे ख्याल से ये जाएगा, चलो करते हैं क्या कितनी बार जाएगा देखेंगे, 616/22, ये 11 बार पहले काटो, 11 × 22 11×55 11×66 28 बार गया, 28 मीटर इसकी लंबाई आई है। तो अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं परिमाप, थोड़ा क्वेश्चन पेपर हम साइड कर रहे हैं ताकि लिखने की जगह हो जाए। तो जब इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 22 + 28, ये मॉडल पेपर मैं अभी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अभी से पता चले कि नवोदय में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रिपरेशन करते समय इस टाइप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आपके लिए आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैं लास्ट ईयर ये सब जज कर चुका हूँ कि बच्चों का कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, उनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 28 + 22 करें कितना आएगा, 8 × 10 2×4 = 50, 50 × 19 = 100, तो 100 आया, ये इसका परिमाप आया। अब कह रहा है कि एक मीटर में कितना खर्च लग रहा है 7.5 रुपये, तो 100 मीटर में कितना लगेगा, 7.5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा इसका आंसर, चलो 750 आएगा। ठीक है, 750 रुपये। बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस बार का टफ क्वेश्चन माना गया था, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा कम कैलकुलेटिव होते हैं, जो कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करके जाते हैं, मगर ये कठिन आ गया था थोड़ा। चलो देखते हैं इसको, कहा है कि यदि a/b एक भिन्न है जिसमें a = b-3 तथा a+d a+10 - a/b = 10/7, चलो पहले ये वाले इक्वेशन को हल करते हैं। a = b-3 बोला है, a = b-3 बोला है, ये हमारा इस काम लगेगा इसमें क्वेश्चन करने में, तो a + 10/b है, तो एक मान रखिए कितना आएगा b - 3 + 10/b, तो इक्वल में है एक माइनस है a - b, यानी कि a का मान कितना है b - 3, ये बाद में साइन चेंज करेंगे, और नीचे है b = 10/7, इसी को सॉल्व करो b का मान आ जाएगा। चलो BLCM, अब b 10 में से 3 है कितना हो जाएगा 7, b + 7 - b - धक्का मारेगा +3 हो जाएगा यहाँ पे = 10/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 b/7 फिर 10/7 हो जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 70 = 10 b = 7, जब b = 7 तो a = 7 - 3 4/7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा फिर इस बार, ठीक है, ऐसे ही कुछ रहेगा। तो आप क्या करना, जो यहाँ पे दिया रहेगा ना उसको कोने में लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना ऐसे, ठीक है, तो उसके बाद 7/16 को भाग कर लेना, जो बाकी बचा रहेगी इसको भाग करोगे जितना आएगा ना इसी में जोड़ देना, ठीक है, इसी में जोड़ देना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर क्या हो जाए,
ए बटा तीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, जो इसका क्षेत्रफल है ना वो भी एक बटा नौवा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 50 में डी सही होगा। आइए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि हो के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसको मैं आपको एक मेथड नहीं दूसरे ट्रिक द्वारा बता रहा हूँ। अगर कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए जिसमें हानि और लाभ बराबर है, तो आप क्या करना है, जो पहली बार जो जितने में बेची गई है 2540 रुपये ऐसे लिख लेना, और फिर दूसरा उसका क्या है, दूसरा जो उसका विक्रय मूल्य है 1850, उसको ऐसे यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखना बीच में एक दंड कितना, ठीक है। तो ये वाला मतलब इधर वाला लाभ, इधर वाला पी, ये पी और ये पी बराबर है, इसको मान लो कि एक एक यहाँ पे ये पूरा बराबर है। तो उसके बाद देखो तो यहाँ पे कितना आया है, तो इसको क्या करना 2540 में से 1850 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको घटाने पे 690 आएगा, ठीक है। तो 690 का आप आधा कर दीजिए, ठीक है। इस मेथड करने का एक ट्रिक आप समझ सकते हैं ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। तो 345 आएगा शायद, 345 है, तो आप क्या कीजिए, ये पहले वाले जो ज़्यादा रहेगा उसमें से आप 345 घटा दीजिए, या फिर दूसरे वाले में से 345 जोड़ दीजिए, जो भी आंसर आएगा सेम आएगा 2195 वो आंसर होगा, 91 को करने का बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 52। एक मशीन एक मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी ना आए तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ अपना, ओके। कड़वा है मगर सच है, चलो फिर देखते हैं। एक पृष्ठ छापने में एक मिनट में एक पृष्ठ छापती है, तो 5760 भागे 12 करो ना, करो भैया 12, तो कितने बार जाएगा, पहले 12 चौको 48, 9 12 96, 480 ये मिनट में आया, घंटे में कितना हो जाएगा, 6 से 60 से भाग कर दीजिए, 8 घंटे इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। अरे जब एक पुस्तक लोगे 100 रुपये में, तो 3 पुस्तक कितनी हो जाएगी, 300 रुपये में। आप 300 रुपये में खरीदे हो और 275 में बेचे हो, तो हानि होगी कि लाभ होगा, मूर्ख हानि होगी ना, 25 रुपये की हानि हो रही है। नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। 8 × 40 = 43 / 8 गुड़े हो जाएगा 64 / 65 / 8 माइनस 25 / 8 माइन गुड़े 8 × 40 = 45 / 8 इसको गुड़ा कर लेना, कितना आ जाएगा, 1/64 और माइनस 1/64 45 × 125 112 तो 2795 आएगा, दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो माइनस कर देना, इसको माइनस करने पे हो जाएगा 0, 9 × 2 = 7 और 7 में से 6 और 2 में से 1 = 16, 17/64 काटे बटेंगे ना, तो लगभग में 27 आएगा इसका आंसर, 94 का सी वाला होगा। चलिए 55 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30009 का वही मान है जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें 30 10000 तथा 9 इकाई का, इकाई वाला इसमें सही होगा क्योंकि 9 इकाई पर है। और सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का संतम द्वारा निकटतम दहाई की मांग ज्ञात कीजिए। ये निकटतम वाला सवाल जरूर आएगा ना, मतलब परीक्षा में, भाई स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आ सकता है इसका क्वेश्चन। निकटतम दहाई पूछा है, 107 का निकटतम दहाई कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 82 का हो जाएगा 110 - 80, 30 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, 3 क्वेश्चन बने हैं, जल्दी से हम कर लेते हैं। एक संख्या के अंकों का जोड़ से घटाया जाए तो परिणामी सर्वदा भाज्य होगी, इसका आंसर 9 आएगा, चेक कर लेना भाई, अभी मैं समय नहीं है एग्जाम पर बताऊँ। 59 क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये फिगर बना है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये फिगर है कुछ, इसमें पूछा है एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ बी सी, बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और डी ओ ई, यानी एक्स 2x, 4x और 6x का मान पूछा है। तो पहले हम करते हैं, यहाँ पे 100 दिया है, पूरे जो सर्कल बनता है उसका 360 डिग्री पूरा एंगल बनता है, मगर यहाँ 100 पहले दिया है तो हम 100 माइनस कर देंगे, 260 कंसीडर करेंगे। तो पहले x है, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x इक्वल टू 260, क्योंकि यहाँ पे 100 पहले दिया है इस एंगल का, इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ओके। 3x और 4 × 3 = 7 = 13x बराबर
260 एक्स बराबर 20 आ जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ बी 20 अंश है। उसके बाद 40, 80, 120 ऑप्शन नंबर इज द राइट। आखिरी क्वेश्चन है मैथ का, इसके बाद फिर जो पार्ट टू आएगा उसमें हम हिंदी क्वेश्चन करने वाले हैं। आज पहले हम इस पार्ट थ्री में करेंगे, वैसे हिंदी वाला हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ऐसे है कुछ है नहीं खास। 60वां क्वेश्चन है, बार ग्राफ का है, इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम द्वारा पाकिस्तान टीम से कितने मैच अधिक खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने कितने मैच खेले हैं, 32, और पाकिस्तान ने कितने खेले हैं, 24, 8 मैच अधिक खेले हैं। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, आज की वीडियो में हमने पूरे 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं अभी भी बता दूँ, अगर ये वाली वीडियो आप मिस करना है तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी है नवोदय की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे मिशन नवोदय बैच को जरूर देखिए, रोज़ सैटरडे संडे शाम को 7 बजे।